अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सो टुडे वी विल स्टार्ट कैलेंडर प्रोजेक्ट, कंप्लीट ईयर्स कैलेंडर प्रोजेक्ट, दैट हाउ कैन वी क्रिएट कैलेंडर फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ ऑफ एनी ईयर एंड आल्सो द फर्स्ट डे ऑफ एनी मंथ ऑफ एनी ईयर इन DevC++. सो वी विल चेक दैट एंड वी विल आल्सो डू ऑल दिस कोडिंग फॉर दैट प्रोजेक्ट। बट दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस प्रोजेक्ट विल बी डिवाइडेड इनटू three parts. So this is the first part, but first of all let me show you that how it works, then we will do our coding. So I want to check the February of 2021. So first day of February and means the second month 2021 is Monday. So now we will check that okay, so it is August and we will check February. Yes, February. So the first day of February is Monday. Yes, it works. Okay, now let me delete all this stuff and then we will do our coding for first of all let me delete not main. Okay, delete, and after main we have to delete all this stuff. Okay, डिलीट। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इन चीज़ों को भी डिलीट कर देता हूँ जो कि हमारा टाइम ज़ाया करेगा। ओके, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ और साथ में मैं मेन फंक्शन को यहाँ से बंद भी करता हूँ, देन वी विल डू आर कोडिंग। ओके, सो इन मेन फंक्शन हम अपना कोडिंग करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिक्लेयर थ्री वेरिएबल्स, डे, मंथ, ईयर, जो कि डे लेगा यूज़र से, मंथ्स एंड ईयर यूज़र से लेगा। आफ्टर दैट आल्सो वी हैव टू एंटर्ड फ्रॉम यूज़र दैट एंटर मंथ ऑफ एन ईयर and we have to pass that value with the help of scene operator. Let me down it so that you can see that. Okay, so we will pass or we will store that value in our month variable, and similarly we have to enter from user. Main isko thoda sa niche karta hu taki dikhai de, and we have to entered ईयर। ओके, तो हम यूज़र से ईयर इंटर करते हैं और इसको भी स्टोर करते हैं ईयर नाम वेरिएबल में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिक्लेयर हियर अरे एंड द अरे नेम मस्ट बी मंथ अंडरस्कोर डे, और इसकी साइज होनी चाहिए 12 बिकॉज वी नो दैट ईच ईयर हैज़ 12 मंथ्स एंड वी हैव टू इनिशियलाइज द डेज ऑफ ईच मंथ। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वी नो दैट ईच वीक हैज़ 7 डेज एंड द फर्स्ट डे ऑफ ईच वीक इन आर डेली लाइफ इज मंडे, बट इन रियलिटी इट इज संडे एंड इट स्टार्ट विद 0 इन बैकग्राउंड इन कोडिंग। यानी हम समझते हैं कि हर वीक का फर्स्ट डे मंडे होता है, बट एक्चुअली रियलिटी में ये संडे होता है जो कि 0 से स्टार्ट होकर 6 पे ख़त्म होता है, और टोटल कितने हो जाते हैं 7। दूसरी चीज़ हमने ये समझना है कि हर साल में 12 महीने होते हैं, और हम समझते हैं कि फर्स्ट मंथ 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन रियलिटी में इट स्टार्ट विद 0, दैट इज जनवरी। तो इस चीज़ को भी ख्याल में रखना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं कुछ हमारे पास जो महीने हैं उसके डेज यहाँ से कॉपी करूँगा ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो। मैं यहाँ से कॉपी करूँगा फिर मैं आप लोगों को समझाऊँगा। सॉरी, मैंने इसको कॉपी करना है, तो ये मैंने कॉपी किया और सिंपली मैं इसको यहाँ में अरे को इनिशियलाइज करते वक्त पेस्ट करता हूँ। यानी जो हमारे पास जनवरी है उसकी 31 डेज होते हैं, फरवरी 28 डेज होते हैं, मार्च हैज़ 31 डेज, सिमिलरली अप्रैल हैज़ 30 एंड अप टू सो ऑन, एंड दिसंबर हैज़
31 days. इसी तरह हमने अपने अरे में ये डेज स्टोर किए. ये जितने भी महीने हैं ये फिक्स्ड हैं. ऑल दैट मंथ्स आर फिक्स्ड. ऑल दैट मंथ हैज फिक्स्ड डेज. बट हेयर इज ओनली वन मंथ दैट इज फरवरी इज नॉट फिक्स. ये लीप ईयर में कभी कभी 29 होता है. क्या होता है? 29. तो इसको हम चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ इफ स्टेटमेंट. तो मैं यहाँ पे सिंपली चेक करूँगा कि जो भी हमारे पास अगर इफ जो भी हमारे पास ईयर है विद द हेल्प ऑफ मॉडुलस ऑपरेटर अगर ये लीप ईयर है. एंड वी ऑल नो दैट लीप ईयर कम्स आफ्टर ईच 4 years. फोर अगर ये ज़ीरो है तो इस केस में ये होना चाहिए 29 days. और डेज किसको पता है? हमारे अरे को पता है. किसी भी महीने के डेज को किसको पता है? और हमारे जो हमने अभी अरे बनाया था उसको पता है. तो हम इसको इसमें स्टोर कर देंगे और यहाँ पे देंगे 1. अब 1 हमने क्यों दिया? क्योंकि फरवरी की जो इंडेक्स है वो है 1. क्योंकि जनवरी तो 0 से स्टार्ट हुआ था. मैंने क्या बताया था कि जो जनवरी है उसकी इंडेक्स 1 है और यहाँ पे जो हमारे पास फरवरी है उसकी इंडेक्स 1 है. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट हियर 1. और इसको हम देते हैं इन दैट केस इट मस्ट प्रिंट 29. ओके. और हमने अब फंक्शन बनाना है किसी भी ईयर की फर्स्ट मंथ का फर्स्ट डे मालूम करने के लिए. सो हियर वी हैव टू कॉल अ फंक्शन विद द हेल्प ऑफ डे वेरिएबल दैट विल फाइंड आउट द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ फॉर एनी ईयर. सो हियर वी हैव टू राइट अ नेम फॉर दैट फंक्शन. मे बी डे ऑफ ईयर सॉरी अंडरस्कोर ईयर. एंड हियर वी हैव टू पॉज दैट फंक्शन ईयर वेरिएबल क्योंकि हमारे ईयर्स ईयर नाम वेरिएबल में स्टोर हैं. एंड वी हैव टू डिफाइन और डिक्लेयर दैट वेरिएबल आउटसाइड द मेन फंक्शन. सो रिटर्न मस्ट बी इन बिकॉज इट विल रिटर्न आर डे वेरिएबल. सो दैट्स व्हाई इट्स रिटर्न मस्ट बी इंटर. एंड ऑल्सो द नेम मस्ट बी डे ईयर. एंड हियर वी हैव टू डिक्लेयर वेरिएबल ईयर. So in the body of that function we have to declare another variable for a day that will print day. So we have to store in day our first day of each month for any year. How can we do that? So iske liye hamare paas scientist ne ek formula banaya hai. जो एक फार्मूला है जो किसी भी महीने का फर्स्ट डे मालूम करने के लिए यूज़ होता है. सो हियर वी हैव अ फार्मूला दैट इज़ क्रिएटेड बाय अ साइंटिस्ट. बिलीव मी दैट आई रियली डोंट नो अबाउट दैट फार्मूला बट इट्स वर्क्स. इट विल हेल्प यू इन फाइंडिंग द फर्स्ट डे ऑफ एनी मंथ ऑफ एनी ईयर. सो वी विल सिंपली कॉपी दैट एंड हियर वी हैव टू पेस्ट दैट. और यकीन कीजिए मैं इसके बारे में नहीं जानता. इसके कैलकुलेशन के बारे में मैं नहीं जानता. अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए. और हमने इस फंक्शन को कॉल किया. ओके, अब हमने सारा काम किया. बस हमने महीने के लिए एक लूप चलाना है और दिनों के लिए एक लूप चलाना है. तो ये हम कैसे करेंगे? तो बहुत ही आसान है. सिंपली हम एक लूप चलाएंगे. बट लूप चलाने से पहले हमने एक और काम करना है गेट टू सी एच कमांड का वेट करने के लिए एंड ऑल्सो रिटर्न 0 ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो. तो ये भी हम पहले से लिखते हैं. और उसके बाद अब यहाँ पे हमें दो लूप की ज़रूरत पड़ेगी मंथ्स फॉर डे. सो हेयर वी हैव टू डिक्लेयर फॉर लूप फॉर मंथ एंड इंट आई मस्ट बी स्टार्टेड विद 0 एंड आई मस्ट बी लेस देन मंथ माइनस 1. ऐसा मैंने क्यों किया मैं ये बता देता हूँ. बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस. ओके, तो हमने एक वेरिएबल लिया आई. इसकी इंडेक्स नंबर 0 यानी जनवरी और आई लेस देन मंथ माइनस 1. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए इफ एनी यूजर चेक मार्च इन आर कैलेंडर इन आर प्रोजेक्ट इन आर प्रोग्राम इन आर दैट ईयर कंप्लीट ईयर कैलेंडर. So he knows that March is the second one. March is the second month. So he will press 2. But in background, in reality, March is kept in third place because January index 0, February index 1, and March index 3.
इट्स जस्ट इन बैकग्राउंड, रियलिटी में 3 पर है बट डेली लाइफ में वो समझता है 2nd नंबर पर। तो हम उसे एक इफिशियंट प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं कि अगर वो 2 प्रेस करता है तो उसे मार्च करे। तो इस केस में हमने मंथ से माइनस किया 1 को, यानी अगर वो 3 को 2 वहाँ पे प्रेस करेगा तो बैकग्राउंड में क्या है 3, और 3 से माइनस होगा 1 तो क्या बजेगा 2, सो इन 2 इट विल शो द हिम मार्च। ओके, दैट्स वाई हियर वी माइनस 1 फ्रॉम मंथ। ओके, एंड इन द बॉडी ऑफ दैट वी हैव टू रन अनदर लूप फॉर डेज, सो इन टू जे इक्वल टू 0। Now this time j must be 1 and I will tell about that, and j less than equal to ab din kisko pata hai, who knows about the days of each month, array, so here we have to write or pass array। ओके, क्योंकि हमें पता है कि जो भी किसी भी मंथ के डेज है वो अरे को पता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मंथ अंडरस्कोर डे और डे, और अब डे किसके पास है, मंथ किसके पास है, आई के पास है, यहाँ पे आई इसमें स्टोर है, तो इसलिए यहाँ पे हमने आई को पास करना होगा एज ए इंडेक्स और आई को इंक्रीमेंट करेंगे। एंड इन द बॉडी ऑफ दैट लूप वी हैव टू चेक and also we have to stop that loop because this loop will run it will run and there will no one to stop it because we know that each month has fixed days some in 31 30 and 29 in some month 28 but ये लूप को पता नहीं है कि किस मंथ में कौन से दिन है। सो इस लूप को स्टॉप करने के लिए यहाँ पे हम चेक करते हैं इफ विद द हेल्प ऑफ प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर के जो डे है, अगर ये होता है 0, सॉरी अगर ये ग्रेटर देन होता है 6, बिकॉज वी हैव 7 डेज इन ईच वीक, सो हियर वी हैव टू राइट 6, इन दैट केस यू हैव टू स्टॉप दैट लूप विद द हेल्प ऑफ डे नाम को जो हमने वेरिएबल होता बनाया था, अगर ये 0 हो जाता है 6 यहाँ पे क्यों, क्योंकि हमारे पास जो वीक है वीक उसकी जो सैटरडे है उसकी लास्ट जो नंबरिंग है 7 वो बेसिकली बैकग्राउंड में 6 है, रियलिटी में 6 है बट डेली लाइफ में ये 7 नहीं, इसलिए यहाँ पे वहाँ पे हमने 6 प्रोवाइड किया। अब हम करते क्या हैं, अब हमारे पास 7 डेज है उसके लिए हमें केसेस बनाने होंगे, तो स्विच स्टेटमेंट हियर वी हैव टू यूज स्विच स्टेटमेंट, बट बिफोर स्विच स्टेटमेंट वी हैव टू डिस्प्ले अ मैसेज आउटपुट इज एंड ऑफ द लाइन, और उसके बाद यहाँ पे हमें एक स्विच स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी स्विच, और स्विच को हम पास करते हैं डे क्योंकि हम बेसिकली 7 डेज को देखना चाहते हैं। इन द बॉडी ऑफ दैट वी हैव टू प्रिंट केसेस, सो टाइम को सेव करने के लिए मैं सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ जो मैंने यहाँ पे बनाया था, मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। हमने 6 केसेस बनाए हैं, सो आई एम गोइंग टू कॉपी दैट सो दैट वी कैन सेव आवर टाइम। कट, and here we have to paste in the body of switch statement and then I will tell you that how it works, so here we have to paste. Okay, switch humne pass kiya day, case 0 mein store tha Sunday, so the first day of month, any month that you will enter after compilation or execution, उसके बाद वो month और वो year होगा and वो होगा Sunday, और फिर हम उसको check करेंगे। एंड फिर हमने ब्रेक किया इन केस 1 फर्स्ट डे ऑफ मंथ ऑफ ईयर इज मंडे, सिमिलरली ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड फाइनली सैटरडे। तो अब हम जाते हैं इसको कंपाइल एंड रन करते हैं और देखते हैं कि क्या ये काम करता है या नहीं। ओके,
एक्सपेक्टेड और बिफोर सी आउट, यस यहाँ पे एक कॉलन होना चाहिए क्योंकि अरे के एंड में इनिशलाइज करते करने के बाद अरे को आप सेमी कॉलन से टर्मिनेट करते हैं। ना वी विल कंपाइल एंड रन। ओ माय गॉड, हियर यस यस यहाँ पे बी होना चाहिए। हाँ तो ये कुछ गलतियाँ होती हैं इंसान से। ओके ओके, इट शो मी नथिंग। ओके इट शो मी इंटर मंथ बट इट्स नॉट लुक लाइक बेटर, सो हियर वी हैव टू स्लैश एन। सो ये न्यू लाइन पे आ जाए, यहाँ पे भी हम स्लैश एन लगाते हैं ताकि न्यू लाइन पे आ जाए। नाउ कंपाइल एंड रन। इंटर मंथ आई वांट टू चेक थर्ड मंथ, यानी थर्ड मंथ कौन सा, जनवरी फरवरी मार्च ऑफ ईयर 2020। ओके इंटर, आउटपुट इज ओके, लेट मी ओके ओके ओके, हियर वी हैव डिक्लेयर टू स्विच स्टेटमेंट। ओके ये जब टेस्ट करते वक्त पहले से मैंने बनाया था तो वही आई पर रह गया, इस वजह से इसने एरर दिख गया। तो मैं इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ, दोबारा कंपाइल एंड रन करता हूँ और देखते हैं कि क्या होता है। सो इंटर सेकेंड मंथ फेबरी, इंटर ईयर 2020। सो आउटपुट इज फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मंथ, यानी फरवरी 2020 इज ट्यूजडे। सो अब हम इसको देखते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलेंडर दैट ईयर 2020 फरवरी। ओके सो फरवरी 2020 इज द फर्स्ट डे ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ इज ट्यूजडे, बट हियर सैटरडे, सो वी हैव मेड अ मिस्टेक अगेन, सो लेट मी चेक इट वाई हियर। ओके द फर्स्ट मंथ आई मस्ट बी इंक्रीमेंट, इट मस्ट बी नॉट इक्वल। ओके नाउ कंपाइल एंड रन एंड वी विल सी टर्न एग्जिस्टेटिस। ओके तो एरर अब नहीं था क्योंकि मैं इसको दोबारा करता हूँ वापे, यस ये होना चाहिए, इसको मत ख़त्म करने, ये होना चाहिए। एरर इसलिए था कि मैंने इसको पहले दूसरे नाम से सेव किया था, फिर मैंने नाम चेंज किया तो उस वजह से एरर दिया, क्योंकि डेव सी प्लस प्लस अगर आप किसी प्रोग्राम को या प्रोजेक्ट को एक नाम से सेव करते हैं तो उसके बाद भी वो आपको एरर देता है, वो पहला वाला प्रोग्राम रन करता है। इसलिए पहले प्रोग्राम में मैंने कुछ एरर्स किए थे बट इस प्रोग्राम में नहीं है। तो मैं दोबारा कंपाइल एंड रन करता हूँ और देखते हैं। इंटर मंथ पहला महीने चेक करना चाहता हूँ 2019 साल का, किया इसको रिज्यूम होना चाहिए। सो 2019 साल का मैं चेक करता इंटर करता हूँ। सो ट्यूजडे है तो अब देखते हैं कि पहला महीना 2019 का ट्यूजडे है या नहीं। तो ये तो 2021 से हम 2019 में जाते हैं और देखते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर काम कर रहा है या नहीं। सो ओके जनवरी 2019 फर्स्ट डे ट्यूजडे। ओके तो हम दोबारा चेक करते हैं, मैं इसको दोबारा कंपाइल एंड रन करता हूँ और देखते हैं। इस बार हम फर्स्ट मंथ ऑफ 2020 ईयर का चेक करते हैं 2020 का, तो वेडनेसडे है, चलो ये भी देख लेते हैं। सो 2020 में आते हैं जनवरी 2020, हमने पीछे जाना होगा। ओके 2020 जनवरी, यस जनवरी 2020। सो द फर्स्ट डे इज वेडनेसडे, यस हेयर इज वेडनेसडे, तो हमारा सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। बस अगर आपने किसी प्रोग्राम को एक नाम से पहले सेव किया है और उस प्रोग्राम में दोबारा एडिटिंग करना चाहते हैं, कुछ नई फीचर ऐड करना चाहते हैं और फिर जब आप उसको कंपाइल एंड रन करोगे तो वो एरर देगा, इसलिए वहाँ पे उसने एरर दिया क्योंकि इस प्रोग्राम को मैंने पहले भी बनाया था इसलिए एरर दिया। तो नाम फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, ये यहाँ पे डेव सी प्लस प्लस में ये खामी होती है। आपका तो मुझे पता नहीं लेकिन मेरे पास ये खामी होती है, ये फॉल्ट होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पार्ट अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल एनोनिमस नॉलेज को सब्सक्राइब करें और साथ में फेसबुक पेज एनोनिमस नॉलेज को भी सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि मेरे इन मैं जो भी वीडियोज़ बनाता हूँ अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर किया करें, मेरा काम ज़रूर शेयर किया करें ताकि तमाम स्टूडेंट तक पहुँच सके। सो खुदा हाफिज़।